हेलो एवरीवन, टर्म्स एंड रिलेटेड मीनिंग में आज फिर हम कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे। तो बायोलॉजिकल वर्ड होता है पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब होता है लिविंग फॉर मेनी इयर्स, मतलब जो फॉर एग्जांपल हम प्लांट्स ले लेते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कई कई सालों तक जीवित रहते हैं, तो उन्हें पेरेनियल प्लांट्स कहते हैं। अगला वर्ड है हमारा फोबिया। फोबिया का मतलब होता है फियर, किसी चीज़ का डर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का लेते हैं, स्टूडेंट्स को खास करके एग्ज़ाम का फोबिया होता है, तो एग्जामोफोबिया हो गया। या फिर किसी को डॉग का फोबिया होता है, किसी को इंजेक्शन से फोबिया होता है। नेक्स्ट वर्ड है पेक्टोरल। पेक्टोरल का मतलब होता है शोल्डर। तो जब जो बायोलॉजिकल टर्म होता है वो होता है पेक्टोरल, और जो उसका कॉमन वर्ड होता है वो होता है शोल्डर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोडिया। पोडिया का मतलब होता है फीट। इसका एग्जांपल है अमीबा का फॉल्स फीट होता है उसका, जिसको सुडोपोडिया बोलते हैं। वो उस सुडोपोडिया का यानी कि फॉल्स फीट का यूज़ करता है लोकोमोशन के लिए और फूड कैप्चरिंग के लिए। तो ये पेरेनियल, फोबिया, पेक्टोरल, पोडिया, ये चार वर्ड्स हैं हमारे आज के टर्म्स एंड रिलेटेड मीनिंग में। ये चारों वर्ड्स हम तुरंत याद भी कर सकते हैं ईजिली, और इसको समझना आसान होता है क्योंकि कॉमन वर्ड तो सबको जानता है, लेकिन थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म इसके डिफरेंट हो जाते हैं। तो इस तरह हम इसे पढ़ेंगे और याद कर लेंगे।